के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, आगाज हो चुका है यूपी स्पेशल के परिवर्तित पाठ्यक्रम का। यूपी स्पेशल का परिवर्तित पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीएस में दो नए प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं, प्रश्न पत्र फिफ्थ और प्रश्न पत्र सिक्स, जिसके लिए क्लासेस की शुरुआत देवप्रयागम आईएएस में हो चुकी है और नई क्लास पुनः शुरू हो रही है। ये क्लास आपको तत्कालिक रूप से प्राप्त होने जा रही है। तो मित्रों, आप आइए और देवप्रयागम आईएएस के इस पाठ्यक्रम, इस क्लास के साथ जुड़ें और आते हैं इसी रणनीति और पूरे पाठ्यक्रम की आज हम चर्चा करते हैं। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे आपको इस प्रश्न पत्र में कैसे आपको अंक प्राप्त करने हैं, कैसे आपको मार्जिन लेना है अन्य लोगों से, कहाँ कहाँ और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर आप बेहतरीन करके और अच्छे अंक आप गेन कर सकते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं मुख्य परीक्षा आपके लिए कितनी निर्णायक होती है, क्योंकि वैकल्पिक विषय समाप्त हो चुके हैं। अब आपका पूरा जोर किस पर होगा? अब आपका पूरा जोर सामान्य अध्ययन के पेपर पाँच और पेपर छः पर होगा। तो पेपर पाँच और पेपर छः आपका बिल्कुल एक तरीके से नया तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से नया एक तरीके से रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़ा सा नए भी हैं। आपको इस पर अपनी एक बेहतरीन कमांड स्थापित करनी है। तो आते हैं, चर्चा करते हैं मित्रों। देखिए, जो आपका पेपर पाँच है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पाँच की अगर हम बात करें, तो ये जो आपका टॉपिक है, इसमें कुल 21 टॉपिक हैं, इसमें कुल 21 टॉपिक हैं, और आप जानते हैं कुल 200 अंक का है। अगर आप ये मान करके चलें कि आपको यहाँ से मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लेने हैं, तो आपका टारगेट यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर आपका टारगेट होगा 55% से 60%। 55% से 60% अगर आप जाते हैं, तो ये आपकी सबसे अच्छी स्थिति रहेगी। अच्छी स्थिति, इसका मतलब ये हुआ कि 110 अंक अगर आप यहाँ से अर्जन करते हैं, तो आपकी स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाएगी। मतलब स्कूल अंक में से 55 से 60% आप कैसे प्राप्त करें, इस 55 से 60% को प्राप्त करने के लिए आपको एक अच्छी खासी रणनीति पर ध्यान देना होगा। देखिए, 45% से 50% एक कॉमन होगा। कोई भी जो मुख्य परीक्षा को दे रहा होगा, वो मान करके चलिए कि 70 से लेकर और 100 अंक तक एक कॉमन अंक होगा, लेकिन आपको प्राप्त करना कितना है? 55 से 60%। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको एसडीएम बनना है, तो आपको टॉपर्स और एसडीएम बनने के लिए आपको 55 से 60% आपको इसमें लेना ही होगा। मित्रों, अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसको जो डिसाइड किए हुए हैं, जैसे आपका जो पहला टॉपिक जो शुरू होता है, कुल 21 टॉपिक हैं, इसमें में से पहला जो है आपका, ये सेक्शन ए हम इसको बनाते हैं, और सेक्शन ए आपका इतिहास से शुरू होता है। ये आपका सेक्शन ए है, ये आपका इतिहास से शुरू होता है, और इसमें हम देखते हैं 5 टॉपिक इसमें आते हैं, इतिहास और यहाँ से मिला करके कुल 5 टॉपिक आएंगे। इसमें से समाज भी आएगा, अगर हम समाज को भी यहाँ से जोड़ेंगे, तो पहला टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास है। अब इसमें हमारे एक्सपर्ट इतिहास के जो हैं वो चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिलेबस पर चर्चा कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास है, सभ्यता है, संस्कृति है और प्राचीन नगर है, ठीक है। हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी, ये आपका यूनिट फर्स्ट है। अब उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री की जब आप बात करेंगे, जब आप उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे, तो इतिहास का मतलब जानते हैं, आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों आ जाएगा। लेकिन आपको अधिक फोकस किस पर करना है? आधुनिक इतिहास पर फोकस करना है, जैसा कि आपके अगले पाठ्यक्रम में देखा जा रहा है। दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की कला, वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय और अभिलेखागार एवं पुरातत्व, यानी आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्किव एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी, तो ये पूरा आपको पढ़ना है।
ठीक है। तो यूनिट वन आपने देखा, यूनिट टू आपने देखा, यूनिट थ्री में देखिए क्या है आपको। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं 1857 के बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है। आप जानते हैं पूरे इतिहास का केंद्रबिंदु भी क्या रहा है, उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार ये क्या रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्रबिंदु रहे हैं। वही है प्रश्न है कि 1857 से पहले और 1857 के बाद उत्तर प्रदेश का योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या रहा है। तो ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई होंगी, आपने देख लिया। बड़ा ही बेहतरीन विश्लेषण हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा विश्लेषण आपको इस रूप में कहीं नहीं मिला। इसी प्रकार से आपकी क्लास भी पूरी तरीके से बड़ी विश्लेषणात्मक क्लास रहेगी, आपको पूर्ण रूप से जो है डायग्राम बेस पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर की पूरी फ्रेमिंग रहेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करवा करके आपको उस लायक तैयार करेंगे जहाँ से आप 55% वाली श्रेणी में आप रहें, और यही 55% की श्रेणी आपके लिए क्या होगी, निर्णायक सिद्ध होगी आपके सफलता के लिए। आते हैं देखते हैं आगे इस चीज़ को, अगर हम देखें अगले टॉपिक की बात करें तो टॉपिक नंबर फोर क्या है। टॉपिक नंबर फोर है आपका उत्तर प्रदेश, टॉपिक फोर है आपका उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं व्यक्तित्व। यहाँ पर हम पर्सनालिटी देखेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। आप देखिए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, तो वो तो हो गया आपका एक तरीके से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया। अब हम उत्तर प्रदेश की समाज की भी बात कर लें, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश ये आपका है उत्तर प्रदेश, समाज की अगर हम बात करें और जनजातियों की बात, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी जनजातीय मुद्दे, ग्रामीण जनजातीय मुद्दे, शहरी जनजातीय मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के त्यौहार क्या हैं, मेले क्या हैं, संगीत क्या है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश का साहित्य क्या है, बोली क्या है, सामाजिक प्रथाएँ एवं पर्यटन, ये आपको देखना है। तो जो पाँचवा टॉपिक है ये आपका अगर हम देखें तो ये सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। सेक्शन बी में हम उत्तर प्रदेश का समाज देखते हैं, उत्तर प्रदेश के समाज में हम उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना देखेंगे, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण समाज, उत्तर प्रदेश का शहरी समाज, उत्तर प्रदेश के जनजातीय मुद्दे, उत्तर प्रदेश में त्यौहार क्या क्या मनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, मेले क्या कौन कौन से हैं, संगीत की परंपराएँ क्या क्या हैं, लोक नृत्य क्या क्या है, उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश की बोली क्या है, उत्तर प्रदेश का साहित्य क्या है, उत्तर प्रदेश की सामाजिक प्रथाएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, तो एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इशूज, सोशल स्ट्रक्चर्स, फेस्टिवल्स, फेयर्स, म्यूजिक, फोक डांसेस, ठीक है, लिटरेचर्स एंड लैंग्वेज, ठीक है, डायलैक्ट्स, सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी। तो दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश सोसाइटी, ये उत्तर प्रदेश के समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो ये हो गया सेक्शन बी हो गया, तो इस तरीके से हम सेक्शन दो में बांट लें इसको। अब आते हैं हम सेक्शन सी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, जिसके बारे में हम आपको भी डिटेल पढ़ाएंगे और क्लासेस की शुरुआत भी हम लोग यहीं से करेंगे। उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली पहले देखेंगे, कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज संबंध, ये आपका एक यूनिट हो गया, ये आपकी यूनिट सिक्स हो गई। और सेक्शन अगर हम देखें तो सेक्शन सी हो गया ये हमारा, ठीक है, सेक्शन सी हो गया और ये आपको उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था हो गई, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी गवर्नमेंट्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, ठीक है, यूनिट सात की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है, उत्तर प्रदेश की प्रांतीय लोक सेवा सिविल सेवा के बारे में अध्ययन करना है, सिविल सेवा की विशेषताएँ क्या हैं उत्तर प्रदेश में, इन सिविल सेवाओं में नवीन प्रवृत्तियाँ क्या क्या जन्म ले रही हैं। आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस प्रकार से लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएँ एक विकासपरक सिविल सेवा के रूप में परिवर्तित हो रही हैं, आज हम इसको देखते चले जा रहे हैं।
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, फिर है लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षण, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र, ठीक है, ये आपके हो गए टॉपिक। फिर है आपका उत्तर प्रदेश में विशेष राज्य चयन मानदंड, ये है, इसमें हम देखेंगे कि राज्यों के विशेष रूप से विशेष दर्जा देने के लिए क्या क्या मापदंड अपनाए गए हैं उनको देखा जाएगा। राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रोविजन है, ठीक है। स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, कंसुलेटेड फंड्स एंड कॉन्टीजेंसी फंड, पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी, ये हमें चर्चा करना है। यूनिट 9 हमारी है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन है, इसमें शहरी एवं पंचायती राज है, लोकनीति एवं अधिकार संबंधी मुद्दे हैं। अब जब अधिकार संबंधी मुद्दों की बात करेंगे तो इसमें हम व्यापक चर्चा करेंगे, जिसमें आपका मानवाधिकार, मूल अधिकार से सारे जो आपके सिविल राइट्स हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आगे हम यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 क्या कहती है, उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार एवं समाधान योजना, गुड गवर्नेंस इसकी बात हम करें तो गुड गवर्नेंस, ठीक है, एराडिकेशन ऑफ करप्शंस, लोकायुक्ता, सिटीजन चार्टर्स, ई गवर्नेंस इन उत्तर प्रदेश, राइट टू इंफॉर्मेशन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, रेडरेशल पॉलिसी इन उत्तर प्रदेश, ये सब हम लोग देखेंगे। 11वां आता है आपका लैंड रिफॉर्म्स आते हैं उत्तर प्रदेश के, भूमि सुधार क्या क्या हैं और इम्पैक्ट इन यूपी और उसका उत्तर प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है वो आपका आता है, देखिए जो 12वीं यूनिट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े इशूज हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं, इशूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसमें कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, मतलब ये कह रहा है कि उग्रवाद, ठीक है, लिंकेज क्या क्या है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध क्या है, ठीक है, तो दोनों के मध्य संबंध क्या है, दोनों एक तरीके से क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, उग्रवाद बढ़ेगा तो विकास कम होगा, ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के मध्य क्या है यूनिवर्सली, दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हमें क्या करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाना है। डायग्राम अगर हम देखेंगे तो डेवलपमेंट बढ़ेगा तो अपने आप में क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। 12वीं की जो सेकंड यूनिट है उसमें है बाह्य राज्य एवं अंतर्राज्य संक्रियाओं सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ पैदा करने में संचार नेटवर्कों की भूमिका, मीडिया की भूमिका, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखा जाए तो आप जानते हैं कि जैसे ही कोई दंगा होता है, उस दंगे में क्या होता है, जैसे हम कोई दंगा कहीं होता है वैसे ही क्या होता है, उस दंगा वाले क्षेत्र में तुरंत इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, क्यों, क्योंकि इंटरनेट का सीधा प्रभाव होता है, दंगा के प्रसार में आज संचार नेटवर्क की भूमिका कैसे बढ़ रही है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि बाह्य शक्तियाँ राज्य और अंतर्राज्य संक्रियाएँ जो भी हैं, ठीक है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड इंटर स्टेट एक्टर्स, ये जो आपके संक्रियक हैं, ठीक है, एक्टर्स हैं, वो चाहे एक्सटर्नल एक्टर्स हों, चाहे स्टेट के एक्टर्स हों, चाहे इंटर स्टेट एक्टर्स हों, ठीक है, इन द क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू आउट कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, बृहद चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के बुनियादी नियम क्या हैं, काले धन को कैसे लोग आज वैध बना रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए और उसकी रोकथाम कैसे की जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
अगर आप देखेंगे सेकंड पेपर क्या एक तरीके से क्या है, हार्ट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। फिर देखते हैं इसकी हम अगली यूनिट देखते हैं। विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां, उनके शासनादेश अधिकार पत्र। आज आप देखें कि वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आप जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं और आपके उत्तर प्रदेश सरकार के अपने फोर्स होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी नए नए बटालियन, नए नई फोर्स का गठन किया जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि जो सेंट्रल फोर्स रिजर्व फोर्स हैं और जो स्टेट रिजर्व फोर्स हैं वो क्या क्या हैं, किस प्रकार से हैं और उनकी भूमिकाएँ क्या क्या हैं, उन्हें किस प्रकार से सत्ता में इनको मान्यता प्रदान की गई है, इनको सबको हमें देखना है यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका ये विभिन्न सुरक्षा बलों में एजेंसियाँ तथा उनके शासनादेश एवं अधिकार पत्र। अभी आपने देखा पुलिस विभाग का सिटीजन चार्टर जारी किया गया है। अब पुलिस विभाग के सिटीजन चार्टर में क्या क्या उल्लेख है हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपका टॉपिक भी है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र आपका नेपाल है और अपराध जैसे कोई यूपी में अपराध होता है वैसे क्या होता है, वैसे वो नेपाल भागने की फिराक में होते हैं, नेपाल भागे कि वहाँ से विश्वभर में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सिक्योरिटी हमें कैसे बढ़ाई जाए, सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, कैसे उनका प्रबंधन किया जाए और संगठित अपराधों का कैसे समाधान किया जाए और आतंकवाद को कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून का राज है कैसे विस्तारित हुआ है, कानून के राज की जड़ें कैसे मजबूत हो रही हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कार्य कर रही है, किस पर, सिक्योरिटी पर और करप्शन पर। तो सिक्योरिटी और करप्शन के संबंध में इस तरीके की जो प्रोविज़न है अपने आप में क्या है, शानदार हैं। अब अगला टॉपिक आपका आता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। अब ये सारे टॉपिक अगर देखा जाए तो ये सब आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, ये सारे टॉपिक आपके लोक प्रशासन से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक। और इस टॉपिक पर आपको एक बेहतरीन नोट्स आपको मिलेगा, इस टॉपिक पर आपको सबसे अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, तो मित्रों ये आपका है यूनिट 13 हो गई। चलिए अब ये सब तो आपका सेक्शन सी के तहत आ गया। अब आता है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर भी बना हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार लगातार निवेश को बढ़ावा दे रही है, निवेश कोविड काल के बाद से ही स्वास्थ्य क्षेत्र को मुख्य पैमाने पर रखा गया है और पहली वरीयता पर रखा जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई नई स्वास्थ्य नीति भी है, इसमें अनेक प्रकार की ऐसी घोषणाएँ की गई हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चिकित्सीय मुद्दे अपने आप में क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। ठीक है, मीडिया एंड हेल्थ इशूज इन यूपी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली से जुड़े क्या क्या इशूज हैं उनको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, अब स्टेट एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो पूरे स्टेट एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है ये NEP लागू कर दी गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है और अब जो कुछ भी हो रहा है आपके NEP के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सब कुछ किया जा रहा है और इसमें उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यापक प्रावधान किए जा रहे हैं, साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा के लिए भी सरकार व्यापक प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली के मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों विकास पर बल दिया जा रहा है। फिर 16 यूनिट है आपका उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर भारत के विकास में यूपी की क्या भूमिका है। आप जानते हैं भारत के विकास में यूपी की भूमिका एक ग्रोथ इंजन के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है, सभी राज्यों में आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन चुका है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी क्या हैं, एक मॉडल बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल होते हुए इसे भारत के विकास को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। यही कारण रहा कि भारत की जो 4T इकोनॉमी है, 4T इकोनॉमी के निर्माण में 1T इकोनॉमी का निर्माण सीधे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है और इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। चलिए उत्तर प्रदेश की समसामयिक की घटनाएं, करंट अफेयर्स, आप उत्तर प्रदेश से तो ये तो आपको दिन प्रतिदिन देखना होगा।
दिन प्रतिदिन की ये घटनाएं होती हैं और इन दिन प्रतिदिन की घटनाओं को हमें क्या करना है, हम लोग कलेक्शन करते रहेंगे और उस पर डेली टू डेली चर्चा करते रहेंगे। तो ये अपने आप में भी क्या होगा, एक बृहद रूप में होगा। 18 है जल शक्ति मिशन एवं केंद्रीय योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन। इतने टॉपिक हैं। अगर आप देखें तो जल शक्ति मिशन, केंद्रीय योजनाएं और उनका क्रियान्वयन। जल शक्ति मिशन आप जानते हैं भारत सरकार का इसमें सबसे मुख्य वरीयता का कार्यक्रम है और हर घर जल देने के लिए सरकार क्या है, प्रतिबद्ध है। उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ये भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन एनजीओ की भूमिका, अब ये टॉपिक आप जीएस मेन सेकंड पेपर में भी आप देखते हैं, यहाँ पर भी आप देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, एनजीओ की भूमिका क्या क्या है। फिर उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएँ क्या हैं, उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएँ क्या क्या हैं, ये आपका यूनिट 20 है, यहाँ पर आपको देखना है। पर्यटन, उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे हम और इसके मुद्दे और संभावनाएं व समस्याओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इनोवेशन हो रहा है और इससे जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं और समाज में इसका रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो व्यापक प्रभाव पड़ रहा है और आप देख रहे हैं कि आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे नवाचार आज लागू किए जा रहे हैं और हर गांव में आज एनजीओ, आपको एनजीओ के साथ साथ जो एसएचजी हैं वो विकसित किए जा रहे हैं, एसएचजी का गठन किया जा रहा है और इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र भी क्या हैं, विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो ये तो रहा आपका 21 टॉपिक था, ये आपका था पेपर, पांचवा पेपर था जीएस मेंस यूपी पीसीएस का पांचवा पेपर था जो जीएस के रूप में यूपी स्पेशल को शामिल कर दिया गया है। इसी प्रकार से हम आते हैं छठे पेपर पर चर्चा करते हैं जिसमें कुल 60 यूनिट्स हैं, ठीक है, सॉरी उसमें कुल 23 यूनिट्स हैं, कुल 23 यूनिट्स आप देखेंगे, उसमें सारे टॉपिक को सिमेट करके रखा गया है, ठीक है। तो आते हैं चर्चा करते हैं, पेपर 6 की चर्चा करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया पेपर 5 देख लिया, अब आते हैं पेपर 6 पर चर्चा करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप देवप्रयागम आईएएस एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो डीपीआईएस से जुड़े हुए हैं, डीपीआईएस को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक आप और भी अपने मित्रों के साथ पहुँचा करके आप हमारे रेगुलर क्लास में, हमारे लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं। हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ करके आप देवप्रयागम से जुड़े हुए सारे स्टडी मटेरियल्स और भी चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों निश्चित रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप इस सिलेबस को पूरी तरीके से इसका विश्लेषण कर लेना होगा। आते हैं शुरू करते हैं पेपर 6 का विश्लेषण शुरू करते हैं।